हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ये चीज हम पढ़ रहे थे, ये चीज हमने देख ली थी। एंड हमने कहा था इसके अब हमें एप्लीकेशंस देखने हैं। उस आर्टिकल में हमने जो देखा था, हमने कहा था हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर, हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहा था, उस रूल को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, सो उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए, उसी फिनोमिना को यूज करते हुए हमें उसके कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं। सबसे पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम रिकॉल कर ले, क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या बताया था, क्या क्या कहा था, उसको हम सबसे पहले एक बार रिकॉल कर ले। हमने ये कहा था दैट इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर्स, इफ वी स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को हम इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, देन इफ इंडेक्स फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मिडल फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, then we can conclude that the thumb gives the direction of force acting on the wire. जो thumb होगा वो हमें direction of force बताएगा, direction of force acting on the conductor. Fine. So Fleming's left hand rule में हम इन तीनों क्वांटिटीज में रिलेशन बता रहे हैं। इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया था कि अगर ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम डिनोट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसी तरह से अगर हम ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बता रहे हैं, देन अगर हम एक एक्सिस को, एक डायरेक्शन को ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ले, ठीक है, अगर हम सपोज इस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ले, ठीक है, और इस डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन मान लें, एक सेकंड, नहीं ये उल्टा हो जाएगा, इसको हमें करंट की डायरेक्शन मानना होगा, then this will be the direction of force.
ठीक है, अब ये सही है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है ये इस पर सही बैठ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट राइट हैंड साइड में, तो जो फोर्स या डिफ्लेक्शन हमें दिखेगा वो आउटवर्ड्स बाहर आता हुआ दिखेगा, ठीक है फाइन। सो इतना पार्ट तो हम देख चुके थे, ये पार्ट हम कर चुके थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस फिनोमेना के, इस प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। इनफैक्ट देयर इज ओनली वन मेजर एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन हमें डिटेल में देखना है, समझना है, एंड दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, या हम इसे कई बार डीसी मोटर भी बोल देते हैं, डीसी मोटर भी हम इसे बोल देते हैं कई बार। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप हमें बड़े ध्यान से समझना होगा। इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप कैसा है, क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है, और उसका पूरा जो प्रोसीजर है वर्किंग का, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हो रहा है, वो हमें समझना होगा। नाउ कई बार हमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दैट ऑन व्हाट प्रिंसिपल डस इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो हम यही बताएंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये उसी प्रिंसिपल पर काम करती है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field. ठीक है, इसकी वजह से जो गवर्निंग रूल हो जाएगा, जो रूल हम बार बार कई बार इसकी वर्किंग को समझाने में लगाएंगे, दैट विल बी द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो इसकी पूरी प्रोसीजर होगी, इसका जो पूरा वर्किंग होगा, उसमें हम ये बोल सकते हैं द गवर्निंग रूल विल बी द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। नाउ मैं मोटर का जो एक बेसिक मॉडल होता है, मोटर का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस डायग्राम को, स्ट्रक्चर को डिटेल में बनाता हूं। ठीक है, हम सबसे पहले मोटर का एक क्रूड डायग्राम देखते हैं, एक बेसिक फंडामेंटल जो है स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट व्हाट ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अ मोटर, एक मोटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और फिर हम आगे ये उसमें पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कि हर पार्ट का काम क्या है, एंड देन अल्टीमेटली जो हम देखेंगे वो ये होगा कि उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, हाउ डज द मोटर एक्चुअली वर्क। ठीक है, एक और यहां पर हम पहले बात करें दैट व्हाट इज एक्चुअली अ मोटर, एक मोटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज अ मोटर। तो मोटर की जो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देंगे, अ मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस है,
this converts electrical energy into mechanical energy, ठीक है, or to be more specific, rotational mechanical energy. So, ये एक और हम इसके पीछे एम बता सकते हैं. What is the aim of making a motor? We are saying that it is an electrical device which converts electrical energy into rotational mechanical energy. ठीक है, अब जो मोटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम देखते हैं. उसका मैं डायग्राम यहां पर बनाता हूं और उसको फिर हम समझेंगे कि किस तरह से वो एक एक पार्ट जो है उसका क्या रोल है और वो किस तरह से वर्क करती है. ठीक है,
दिस इज द सेटअप. ये एक सिंपल सा सेटअप होता है मोटर का, ठीक है. एक बार इसको बना लो, ड्रॉ कर लो, बट उसमें जब तक हर पार्ट का सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आएगा, तब तक एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा क्यों किया है, ठीक है. और हर एक पार्ट का क्या रोल है और हर एक पार्ट का क्या नाम है, वो हम समझते हैं फिर, ठीक है. फाइन. सो सबसे पहले मैं यहां पे कुछ नॉमेनक्लेचर कर देता हूं कि हम क्या क्या बोल रहे हैं हर चीज को, ठीक है. सो व्हाट वी सी, हम यहां पर जो कंपोनेंट्स देख रहे हैं मोटर के, उन कंपोनेंट्स को हम क्या क्या बोलते हैं वो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मोटर, ठीक है. यहां हम बोल रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर, मोटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसा है, ठीक है. पार्ट बाय पार्ट, एक एक पार्ट जो है उसका नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हम यहां पर सिंपली बता रहे हैं. कॉम्पोनेंट्स और वी कैन से द सेटअप ऑफ द मोटर, ठीक है. ठीक है, ऊपर से हम देखना चालू करते हैं. देन सबसे पहले हम ये देखें, यहां साफ साफ हमें दिख रहा है ये NS हमने लिखा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये मैग्नेट्स हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है. दैट मीन्स या तो एक सिंगल मैग्नेट हम ऐसा यूज कर ले जो इस तरह से टर्न होकर यहां पर आ रहा हो, जैसे हमने बताया था एक हॉर्स शू मैग्नेट जो इस तरह से टर्न होकर इधर आ रहा हो, उसका नॉर्थ पोल ले आओ, साउथ पोल ले आओ. या फिर हम दो सेपरेट मैग्नेट्स यूज कर लें, एक इधर एक इधर, ठीक है. एक का नॉर्थ पोल इधर की तरफ फेस करना चाहिए, एक का साउथ पोल इधर की तरफ फेस करना चाहिए. सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज मैग्नेट्स, टू आइदर टू वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और वन सिंगल हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट. ठीक है, दीज मैग्नेट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इनकी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दीज शुड बी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है. और तरीका हमने बता दिया, या तो दो मैग्नेट इस तरह से आमने सामने रखे हो, एक का नॉर्थ पोल इधर की तरफ फेस कर रहा हो, एक का साउथ पोल इधर की तरफ फेस कर रहा हो. वॉट इज आर एम, हमने ऐसा क्यों कहा है, इस तरह का क्यों सेटअप रखा है, हम यहां पर डेफिनेटली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इधर से इधर की तरफ हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं, दैट इज आर एम सिंपली, ठीक है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज मैग्नेट्स, टू जनरेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इन द मोटर, मोटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम ये मैग्नेट्स यूज करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स हो जाते हैं. देन सेकेंड कॉम्पोनेंट, देर इज अ कॉइल, एक कॉइल हम लेते हैं, ठीक है. ये जो
येलो कलर की हमें यहाँ पे दिख रही है, दिस इज अ कॉइल, एक कॉइल हमने ली है, आइदर विद वन सिंगल टर्न, जनरली सिंगल टर्न की तो नहीं यूज की जाती, प्रैक्टिकली जो है सिंगल टर्न की नहीं यूज की जाती है, 10-15 टर्न्स या उससे ज्यादा की यूज की जाती है, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज अ कॉइल, इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज वी कॉल इट पी क्यू आर एस, ठीक है। सो द सेकेंड कॉम्पोनेंट और द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेटअप इज अगेन दिस कॉइल, ये जो कॉइल हम लेते हैं जनरली कॉपर की होती है, ठीक है, अ कॉपर कॉइल, ठीक है, कॉपर कॉइल विद फ्यू टर्न्स, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स आर यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो है टर्न्स लेते हैं। दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट, ये हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट हो जाता है। देन दिस कॉपर कॉइल, इस कॉपर कॉइल को हमें कुछ सपोर्ट देकर रखना होता है, इसको हम सपोर्ट देने के लिए एक एक्सेल पर माउंट कर देते हैं, दिस इज द एक्सेल, ठीक है, इसको एक्सेल बोला जाता है, दिस एक्सेल इज नथिंग बट अ स्टील और एल्यूमिनियम सिलेंड्रिकल रॉड, या तो हम स्टील यूज करते हैं या एल्यूमिनियम, स्टील और एल्यूमिनियम सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है, इसका काम क्या है, ये इस कॉइल को, जो कॉपर कॉइल हमने बताई है, इस कॉइल को ये सपोर्ट करती है, रॉड इस रॉड पर ही, इस एक्सेल पर ही वो कॉइल जो है एक तरह से माउंटेड होती है, ठीक है। द कॉइल इज रेक्टेंगुलर शेप्ड, ऑल्दो वो डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, यहां पर हम चाहे तो लिख भी दें उसको, दैट देयर इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड कॉपर कॉइल, ठीक है, डायग्राम में ऑल्दो वो चीज क्लियर है, हम साथ में लिख भी दें यहां पर रेक्टेंगुलर शेप्ड with few turns.